आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। बीते कारोबारी सप्ताह कमोडिटी शेयर क्रिप्टो सभी बाजारों में गिरावट देखने को मिली थी। इसका असर कमोडिटी बाजार में ग्वार कॉम्प्लेक्स पर भी पड़ता दिखाई दिया। कुल मिलाकर ग्वार के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम है, इस बार बुआई में भी कमी आने का अनुमान है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से ग्वार गम की कीमतों को सपोर्ट मिलता दिखाई देगा और इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। इन सब के मद्देनजर आने वाले दिनों में ग्वार कॉम्प्लेक्स को मजबूती मिलने की संभावना है। ग्वार पर बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा का कहना है कि ग्वार सीड और गम में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। ग्वार सीड 6146 की क्लोजिंग दी है और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ग्वार सीड में खरीदारी देखने को मिल सकती है। वहीं एक हफ्ते में ग्वार सीड 6350 तक का स्तर दिखा सकता है, साथ ही ग्वार गम में 12000 तक के लेवल देखने को मिले हैं और ये 11800 की क्लोजिंग आई है। अगले एक हफ्ते में ग्वार गम के 12300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, वहीं निचले स्तरों पर खरीदारी में रहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।